हमारे मुख्यमंत्री जी को बिना दोष के, बिना कोई आरोप के 5 महीना के लिए जेल में डाल दिया गया। दुष्यंत जी गुरु जी के लड़ाई को अपमानित किया गया, और उसके बाद जब वो कुछ नहीं कर पाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी बाइज्जत बरी होकर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से हमारे बीच में आए और दुगनी तेजी से काम करने का प्रयास। आज हेमंत बिस्व शर्मा जी आए हैं। ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने देश को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर झारखंड की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। आप सोचिए, जिस राज्य में मुख्यमंत्री ना हो उस राज्य का क्या हाल होगा। पिछले 1.5 महीना से कभी गोगो दीदी योजना के तहत, कभी हिंदू मुस्लिम के तहत, कभी पिछड़ा अग्रिम के तहत हमारी जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं बस आपसे निवेदन करूंगा, अगर मैंने काम ईमानदारी से किया, मैंने काम अगर आपका बेटा बनकर, आपके भाई बनकर किया है, तो ये मजदूर अपनी 3.5 साल की मजदूरी आपके बीच में मांगने आया। चाहे सिजुआ का खदान खुलवाना हो, चाहे सिजुआ का खदान खुलाना हो, चाहे अम्बा टोला का पुल का टेंडर कराना हो, चाहे तेनू घाट पिछड़ी रोड का टेंडर कराना हो, ये सब कार्य मैंने किए। मेरे बीच में सुंदरों की मेरी माताएं बैठी होंगी, सुंदरों पुल बनवाना हो, ये मैंने काम किया। आज हमारे बीच में आप तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, पिछड़ी के भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तुपकाडी के भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तुपकाडी के मुखिया, पूर्व मुखिया भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज तक इन लोग डीएमएफटी का नाम तक नहीं जानते थे। मैं धन्यवाद दूंगा हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने डीएमएफटी की राशि जिला में खर्च करने के लिए हम जैसे विधायकों को सम्मान देने का काम किया, और हमने और मुखिया और पंचायत और जिला सचिव, जिला परिषद के लोगों ने, प्रमुख ने मिलकर आपके बीच में डीएमएफटी राशि का निष्कासन किया, और 1300 करोड़ की योजना मैंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में देने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 20 तारीख को महागठबंधन के तहत बेरमो विधानसभा का चुनाव होना है, और 20 तारीख को डुमरी में भी हमारी भाभी इस राज्य सरकार की मंत्री का चुनाव होना है। मैं आपसे विनती करता हूं, लोग आपको बांटने आएंगे, कोई पार्टी पे बांटेगा, कोई धर्म पे बांटेगा, कोई जाति पे बांटेगा, कोई माटी पे बांटेगा। डुमरी की बात करें तो क्या जगन्नाथ मातो जिससे ज्यादा किसी ने डुमरी में काम किया होगा क्या? तो भटकना नहीं है, बहुत लोग आएंगे, 1932 की बात कहेंगे, लेकिन 1932 को जिसने सबसे ज्यादा सम्मान दिया उसी को लूटने के लिए जयराम मातो जी भी डुमरी आ रहे हैं, उसी को हमने अपमानित करने के लिए भी जयराम मातो डुमरी आ रहे हैं। दुर्भाग्य होता है कि लोग अपने स्वार्थ में इस राज्य का भलाई पर भूल जाते हैं, लोग अपने स्वार्थ में इंसान को इंसान कहना भूल जाते हैं, लोग अपने स्वार्थ में यहाँ के संविधान को मानना भूल जाते हैं। उसी तरह बेरमो में रविंद्र पांडे जी ने क्या किया और राजेंद्र बाबू ने क्या किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डुमरी की जनता और बेरमो की जनता जगन्नाथ मातो जी को और राजेंद्र बाबू को भूल सकती है क्या? क्या भूल सकती है क्या? एक बार हाथ उठा के बोलिए, भूल सकती है क्या? एक बार हाथ उठा के बोलिए, भूल सकती है क्या? ये आपका प्यार है जो दिन रात देवी मातो जी को भी आपके बीच में काम करने की प्रेरणा देती है, और ये आपका प्यार है जो आपके बेटे को भी प्रेरणा देती है। मैंने कभी भी अपने आप को विधायक नहीं समझा, और आज भी जब आपके समक्ष आया तो विधायक बनकर कुर्सी पर नहीं बैठा, यहाँ पर नीचे बैठा, क्योंकि मुझे विधायक का चुनाव आपने जिताया है। मैं बाहर जाकर अधिकारियों के पास जाकर विधायक का गरिमा बचा सकता हूँ, लेकिन अपने जनता के बीच में विधायक बनकर नहीं बैठ सकता हूँ। बैठ सकता हूँ तो बेरमो का बेटा बनकर बैठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ तो बेरमो का रखवाला बनकर बैठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ तो बेरमो का मजदूर बनकर बैठ सकता हूँ।
तमाम युवा साथियों से विनती करूंगा, तमाम अपने बुजुर्गों से विनती करूंगा, तमाम अपने माताएं बहनों से विनती करूंगा कि मेरी विकास कार्यों को जानिए, मेरे विकास कार्यों को पहचानिए, हेमंत सोरेन के संघर्ष को याद करिए, दुष्यंत गुरु जी के आंदोलन को याद करिए, लालू जी के जो कल्याण पुरुष के नाम से वो जाते हैं, जिन्होंने ओबीसी वर्ग को एक ताकत दिया, उसे याद करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजेंद्र बाबू और जगन्नाथ मातो की बातों को याद करिए। अगर आप लोग ने भटकने का काम किया तो बेरमो को बहुत पीछे ठेल दिया जाएगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि पांडे जी की नीति और कथनी में कितना फर्क है। के मेमोरियल हॉस्पिटल जानते हैं किनका है? कभी वहां पर एक रुपया भी आपको डिस्काउंट मिला है क्या? कभी ठीक से इलाज हुआ है क्या? ये बात आपको समझने की जरूरत है। पांडे जी जब जब आएंगे, हाईवा की गाड़ियां लाइन लगकर लंबी तगार में जाकर उनकी संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। पांडे जी जब जब आएंगे, के मेमोरियल जैसे अस्पताल हमारे गरीब, हमारी महिला, हमारी शोषित लोगों का अत्याचार करने का काम करेंगे। आज पांडे जी ने किसी भी एक घर के आदमी को कभी भी किसी भी वक्त मदद किया है क्या? किसी का इलाज कराया है क्या? किसी के श्राद्ध में मदद किया है क्या? किसी के शादी में बेटी के मदद किया है क्या? कोई मंदिर मस्जिद का निर्माण किया है क्या? लेकिन आपके बेटे ने किया है कि नहीं किया है? आपके बेटे ने किया है कि नहीं किया है? राजेंद्र बाबू ने किया है कि नहीं? जगन्नाथ माता ने किया है कि नहीं? पंडित बिंदेश्वर सिंह जी ने किया है कि नहीं? ये आपको समझना होगा, ये आपको देखना होगा। आप लोग के प्यार और स्नेह के लिए आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज आप लोग से एक उम्मीद के साथ आप लोग से एक दुआ करता हूँ, आप लोग से एक प्रार्थना करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि यहाँ से निकलना है और 20 दिन कमर कस लेना है। चाहे डुमरी में कोई आ जाए, चाहे बेरमो में कोई आ जाए, हर हाल में ये सीट हमें इंडिया गठबंधन को जिता कर देना। आप लोग को तहे दिल से, आप लोग को तहे दिल से एक बार फिर बैठ जाइए।